Vayam Prabha. Digital India. Educated India. कौनी चि मीनासान नमस्कार आज की हमारी जापानी भाषा एक परिचय की इस क्लास में आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है आशा हम ये करते हैं कि जो भी आप लोग यहाँ सीख रहे हैं उससे आपके डाउट्स जो हैं जो भी आपको कठिनाई थी अभी तक वो आपकी सॉल्व हो रही हैं वो सब धीरे धीरे हटती चली जा रही हैं और जापानी भाषा में आपकी जो रुचि है वो बढ़ती चली जा रही है कम नहीं हो रही है और आप और ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक हैं तो हम लोग जिस तरीके से हर बार क्लास करते हैं उसमें कुछ नया करते हैं ग्रामर करते हैं लेकिन आज हम आपके साथ ग्रामर कम करेंगे और कुछ अभिव्यक्तियाँ एक्सप्रेशंस कहिए या उनको फ्रेजेस कहिए वो करेंगे यहाँ पे और सीखेंगे जो हमने कुछ पुरानी करी हैं उनको दोहरा करके और उसमें कुछ नया ऐड करके तो आपको याद होगा कि पिछले अपने एक दो लेसन्स में हम लोगों ने इराशाइमां मासे किया था यानी कि किसी का स्वागत करते समय हम कौन सी फ्रेज़ जो है वो यूज़ करते हैं कौन सा एक्सप्रेशन हम प्रयोग में लाते हैं बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन हैं बहुत तरीके से आप किसी का भी स्वागत कर सकते हैं हिंदी भाषा में भी अंग्रेजी भाषा में भी एक दो वर्ड्स भी होते हैं जिनसे आप स्वागत दर्शा सकते हैं कि हम आपका स्वागत करते हैं और कुछ चार पांच शब्दों का समूह एक सेंटेंस बना करके फ्रेज़ बना करके भी प्रयोग करते हैं तो सिमिलरली आपको जापानी भाषा में भी सिंगल वर्ड्स भी मिलेंगे और कुछ वर्ड्स को जोड़ करके एक फ्रेज़ बनाया गया है वो भी मिलेगा तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग को आज कौन सा फ्रेज करना है इराशाही मास तो जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे इराशाही मास हम लोगों ने किया है आपको याद है हम लोगों ने कहाँ किया है ये हम लोगों ने इसको जब आप कभी किसी दुकान में घुसते हैं या आप किसी डिपार्टमेंट स्टोर में या रेस्टोरेंट में घुसते हैं तो वहां के जो लोग हैं वो आपका स्वागत करते हुए कहते हैं इराशाई मसे इराशाई मसे जो है बहुत पोलाइट है और इसका अर्थ है कि आपका हम स्वागत करते हैं आपका स्वागत है यहाँ पर तो ये एक एक्सप्रेशन है या आप केवल इराशाई भी कर सकते हैं जैसा कि आपको हमने पिछली बार भी बताया था तो अब इसमें फ़र्क क्या है ये जो इराशाई म है ये कब प्रयोग किया जाता है और अगर घर में आप किसी का स्वागत करते हैं तो इराशाही मासे का प्रयोग किया जाता है या नहीं किया जाता है देखिए हम पहले आपको बता चुके हैं ज़्यादातर इराशाइमा मासे जो है वो रेस्टोरेंट्स में प्रयोग किया जाता है और सब लोग मिल कर के इराशाइमा इंटोनेशन हाई होता है और तब स्वागत करने के लिए कहते हैं जब आप किसी के घर जाते हैं तो ज्यादातर इराशाई से नहीं कहा जाता है बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाता है तो आप इराशाई कहते हैं या और भी बहुत सारे एक्सप्रेशन हैं जो कहते हैं देखिए क्या कहते हैं यो को इराशाईमाश्ता यानी कि आप हमारे घर आए इसके लिए हम बहुत आभारी हैं या तो कोरो अरिगा तो गुजाइमास यानी कि बहुत दूर से आप आ रहे हैं मेरा घर बहुत दूर है यहाँ तक आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं बहुत आपका आभारी हूँ ये भी एक फ्रेज़ है जो कि आप किसी को वेलकम करते समय कह सकते हैं अच्छा ये फ्रेज़ कहीं कहाँ जाती है ये जब आपके घर में कोई जना आता है उस समय आप अंदर बुलाते समय या दरवाजे पर यह फ्रेज़ कहते हैं तोई तो करो मादे इराश्ते इतादाइते दाईते अरेगा तो आप मेरे घर आए इसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूं या एक और तरीके से यही फ्रेज कहा जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे, वो है वाजा वाजा इराश्ते इतादाइते अरिगातो तो गुजा मश्ता वाजा वाजा इराशते इताद तो यानी कि खास करके स्पेशली आप इतनी दूर से आए हैं मेरे लिए आए हैं इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ बहुत बहुत धन्यवाद तो ये एक फ्रेज़ है तरह तरह से कहा जाता है इराशाई उसमें ज़रूर प्रयोग किया जाता है और अपने जो अतिथि हैं उनका आप स्वागत करते हैं और भी बहुत फ्रेजेस हैं जैसे देखिए यहाँ पे एक और फ्रेज़ है वो है यो कोसो अब यो कोसो क्या है और इराशाई क्या है देखिए दोनों ही वेलकम के लिए यूज़ होते हैं दोनों का प्रयोग वेलकम करते समय स्वागत करते समय प्रयोग किया जाता है बहुत सारी इसमें कंट्रोवर्सीज़ हैं कि इराशाई मासे इस समय प्रयोग किया जाएगा यो कोसो इस समय प्रयोग किया जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोनों का अर्थ जो है वो है वेलकम यानी कि आपका स्वागत है हाँ इराशाई जो है वो वर्ब इमास और इकीमास के लिए पोलाइट समय पे प्रयोग किया जाता है जब आप फॉर्मल सिचुएशन में होते हैं जब आप बहुत आदर के साथ कुछ कहना चाहते हैं तब प्रयोग किया जाता है यो कोसो भी और इराशाई भी दोनों ही जो हैं ऑफिसज में घर पर दुकानों में मीटिंग में कहीं पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है देखिए एक और बात आपको बताना चाहेंगे वो ये कि दोनों ही शब्द वेलकम के लिए हैं लेकिन ये भाव है खाली आपका क्या भाव है किसी को अपने घर में बुलाते समय किसी का स्वागत करते समय उस भाव के साथ आप कौन सा पोलाइट एक्सप्रेशन जो है वो प्रयोग में लाते हैं केवल इतनी सी बात है दोनों ही एक्सप्रेशंस कहीं पर भी कभी भी प्रयोग किए जा सकते हैं जब विनम्रता से बहुत आदरपूर्वक तरीके से आप किसी का आभार व्यक्त करते हैं या स्वागत करते हैं उस समय भी योकोसो का प्रयोग किया जाता है अब अगर यदि आपके देश कोई आता है तो आपको बहुत खुशी होती है आपको अच्छा लगता है कि कोई विदेशी आपके देश आया उसने घूमा और घूम करके उसको अच्छा लगा तो जब वो जा रहा है आपके घर से आपके ऑफिस से या किसी ख़ास वजह से वो आया हो उसके बाद वो जा रहा है तब आप योकोसो भी कह सकते हैं या आप इराशाई माश्ता भी कह सकते हैं दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है अब जो भी अतिथि है वो आपके घर आए हैं आपने उनका स्वागत कर लिया इराशाई मासे और जो भी आपने फ्रेजेस अभी सीखी उनका प्रयोग करके लेकिन आप दरवाजे पर ही खड़े हैं अभी अंदर नहीं गए हैं अंदर आपने बुलाया नहीं है उनको तो अंदर बुलाने के लिए कौन से एक्सप्रेशन का प्रयोग किया जाएगा आइए उसको भी देखते हैं एक तो बहुत ही साधारण सा एक्सप्रेशन है जो अभी तक के आपके लेसन में आपने किया भी होगा वो है दो जो यानी कि प्लीज आइए आपको अनुमति दी जा रही है अंदर आने की लेकिन ये बहुत ही इनफॉर्मल एक एक्सप्रेशन है और प्रयोग में जरूर आता है लेकिन इनफॉर्मली आता है इसी के साथ आप देखिए दो जो ओहारी कुदासाई, यानी कि आपको परमिशन दे रहे हैं हम अंदर आने की हायरी मास जो है वो एक वर्ब है और वहीं से ही हायरी कुदासाई है आप इनका एक ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कि हाथ है यहाँ पे और इशारा कर रहे हैं कि आइए आप अंदर आ जाइए दो जो आपको अनुमति है आप अंदर आइए एक ये एक्सप्रेशन हो सकता है एक हो सकता है दो जो अगात्य कुदासाई अब यहाँ पर जो दिखाया गया है वो आपके घर का गेंगकान है यानी कि दरवाज़ा है ये नीचे यहाँ पे आप खड़े हैं व्यक्ति खड़े हैं यहाँ पे और इनसे उस व्यक्ति से उस अतिथि से ये कह रहे हैं कि आप अंदर आइए तो आपको एक स्टेप ऊपर लेना पड़ेगा जब आप ऊपर लेंगे तो आप यहां से उठ करके यहां आ जाएंगे अगारी मास का मतलब होता है एक स्टेप ऊपर लेना यानी कि गो अप, ऊपर जाना तो कहते हैं कि यहां से आप उठ करके अंदर आइए अगारू भी जो है एक वर्ब है और कुदासाई का अर्थ है कृपया तो दोजो अगात्य कुदासाय कृपया अंदर आइए ये भी एक एक्सप्रेशन है अंदर बुलाने के लिए फिर अगर आपको और भी पोलाइट करना है देखिए ये थोड़ी घर की जो है लेडी हैं वो अपने अतिथि को अंदर बुला रही हैं तो दो जो ओ आंगारी कुदा उन्होंने और भी पोलाइट कर दिया और ऑनरफिक जो ओ है वो लगा दिया और आगारी कुदासाई कहा कि हाँ कृपया आप अंदर आइए तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं अंदर बुलाने के लिए इसी के साथ ये दो जो ए ये कभी कभी अंदर बुलाने के लिए प्रयोग में आता है लेकिन ज्यादातर ये एक्सप्रेशन जो है ये रास्ता दिखाने के समय प्रयोग में आता है दो जो परमिशन दे रहे हैं कि आप इस तरफ आइए तो जब आप किसी को गाइड करते हैं किसी को रास्ता दिखाते हैं किसी को रास्ता बताते हैं तब आप कहते हैं दोजो कोचिरा ए मेरे पीछे पीछे आइए। यानी कि कहीं कॉन्फ्रेंस में जाना है या किसी को आपको कुछ दिखाना है कोई एग्जीबिशन दिखानी है तो उस समय दोजो कोचिरा ए का प्रयोग किया जाता है तो अब आपको अंदर बुला लिया गया अब आपको अंदर जाना है लेकिन अब जब इतना पोलाइट एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है तो अतिथि को भी अंदर जाने से पहले कुछ कहना पड़ेगा कोई ना कोई एक्सप्रेशन जरूर होगा तो जो मेहमान हैं वो घर में घुसते समय क्या कहेंगे सबसे पहले तो देखिए उनको जूता उतारना पड़ेगा जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है ये सज्जन अपने जूते यहाँ उतार करके ये चप्पल जो रखी है जो कि घर की चप्पल मानी जाती है उसको पहन करके तब अंदर जाएंगे जूते उतारने का भी बहुत एक तरीका है उसको आप नेट पे भी देख सकते हैं लेकिन ज़्यादातर जूते उतार करके ऐसे रखे जाते हैं कि आप जब वापस निकलने लगिए, तो सीधे जूतों में पैर डालिए और बाहर चले जाइए इधर उधर फैला करके नहीं रखे जाते हैं तो आप क्या कहेंगे उस समय शित्सुरे शिमास क्या कहेंगे एक बार दोहरा करके देखिए शित्सुरे शिमास यानी कि प्लीज़ मैं अंदर आ रहा हूँ ये एक नॉर्मल एक्सप्रेशन है और केवल यहाँ ही नहीं प्रयोग होता है बहुत जगह इसका प्रयोग किया जाता है आगे उसके बारे में भी आपको बताएंगे अपने लेसन्स में एक और एक्सप्रेशन है वो है ओजामाशिमास अब ओजामाशिमास जो है वो एक प्रॉपर एक्सप्रेशन है जो कि इस प्रकार से जब आप घर में अंदर दाखिल होते हैं उस समय प्रयोग में आता है जामा का अर्थ है किसी के रस्ते में आना एक ऑब्स्टिकल बनना एक तरीके से आप की शांति को भंग करना उसको जामा कहते हैं बीच में आना उसको जामा कहते हैं तो जब घर में आप घुस रहे हैं तो आप उनसे कहते हैं कि मैं आपके घर में जा रहा हूं और आपका कुछ समय लेने जा रहा हूं इसलिए मुझे माफ कीजिएगा ओजामा शी मास इसका ये अर्थ है तो ये दो एक्सप्रेशंस हैं जो घर में घुसते समय जरूर प्रयोग किए जाते हैं या तो शिश्रेशी या ओजामा शि मास अब देखिए ये तो आप घर में घुस गए और ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं अगर आप बाहर खड़े हैं और आपको किसी को बुलाना है आपको पता नहीं है कि कोई घर में है भी या नहीं है तो आप ऐसी स्थिति में जनरली या तो नॉक करते हैं दरवाजे पर खटखट खट करके या आप हिंदी में अगर होगा तो आप बोलेंगे कोई है क्या या अंग्रेजी में इस सम्वन दैर है कि नहीं है तो जापानी में भी इस तरीके से कुछ बोला जाता है आइए देखते हैं कि क्या है देखिए सबसे पहले तो होगा सुमी एक्सक्यूज मी दारे का का यानी कि कोई है क्या तो आपका इंटोनेशन जो है वो ऊपर जाएगा दारे का, इमास का तो अगर कोई होगा तो वो जवाब दे देगा अगर नहीं होगा तो आपको दोबारा दोहराना पड़ेगा ये बहुत ही इनफॉर्मल तरीका है और फॉर्मली इसको नहीं प्रयोग किया जाता है फॉर्मल तरीका है गोमेन कुदासाई यानी कि कोई है क्या इस समवन देर तो ये भी इंटोनेशन राइजिंग है इसका और ज्यादातर ये प्रयोग में आता है गुमेंगुदा इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है कि कोई है क्या नॉक नॉक खट खट कोई है क्या अब आप घर में गए घर में जाकर के आपने चाय पी इसके भी बहुत एक्सप्रेशन हैं वो हम लोग बाद में अपने चैप्टर्स में करेंगे घर में कुछ देर बैठने के बाद बात करने के बाद आप वहां से निकलना चाहते हैं अब आप वापस जाना चाहते हैं तब आप क्या कहेंगे तब भी कुछ एक्सप्रेशन हैं दोनों तरफ से होंगे एक्सप्रेशन वो क्या हैं आइए देखते हैं एक तो बहुत ही सिंपल है कि सब लोग बात कर रहे हैं और काफी देर हो गई है तो जो अतिथि हैं वो कहते हैं कि अब मुझे चलना चाहिए जैसा कि हम लोग हिंदी में कहते हैं काफी देर हो गई है और अब मुझे चलना चाहिए तो उसी का इक्वलेंट जो है वो जापानी में ये है सुरोसुरो कायरी मशो यानी कि ये जोर से बोला जा रहा है चाहे अकेले हों चाहे और साथ में भी हों आप थोड़ा जोर से जिससे कि सुनाई पड़ जाए सुरोसरो कायरी मशो कि अब मुझे चलना चाहिए या आप कह सकते हैं सुरोसरो कायरी मस कि अब मैं चलता हूँ तो ये दो एक्सप्रेशंस हैं कि चलने से पहले आप ये कह सकते हैं लेकिन एकदम इसके बाद उठ जाएंगे ऐसा भी नहीं है जैसा कि आप हिंदी में भी देखते हैं कि अब मुझे चलना चाहिए और चलते चलते भी काफी समय हो जाता है उसी प्रकार से इस एक्सप्रेशन के साथ भी जब आप ये कह देते हैं तो इसके कहने के बाद करीब दस पंद्रह मिनट के बाद ही आप निकल पाते हैं आपने भूमिका बना दी है निकलने की एक और इसी तरीके से एक्सप्रेशन है सोरो सुरो, सुरो खैरिताई तो ओमोइमास यानी कि मैं सोच रहा हूं कि अब मुझे चलना चाहिए यह भी एक तरीका है कहने का यही भाव है कि अब मैं चल रहा हूं या अब मुझे चलना चाहिए सोरो सोरो अब भाई समय हो रहा है और मुझे चलना चाहिए अब ये कहकर के आप उठ गए और आप दरवाजे की तरफ आए हैं दरवाजे पर आप लोग दोनों जने जो अतिथि हैं और जो घर में आपके मित्र हैं उनसे आपको विदा लेनी है तो उस समय आप क्या कहेंगे उस समय आप कहेंगे अरीगा तो गुजाए माश्ता एक तो बहुत ही साधारण है कि आप धन्यवाद कर सकते हैं और दूसरा है ओजामा शिमाश्ता ओजामा शिमास अभी आपने किया था पिछली वाली स्लाइड में कि मैं आपकी प्रिवेसी को डिस्टर्ब करने जा रहा हूँ और अब मैंने आपके यहाँ इतना इतना समय बिताया और आपका समय लिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो शिमाश्ता हो गया है ये अभी आपने किया नहीं है आगे जा कर के आप अभी करेंगे तो उजामा शिमाश्ता ये ज़रूर आप कहते हैं अब जो घर में हैं आपके मित्र वो क्या कहेंगे वो कहेंगे माता इराश्ते कुदासाई या इनफॉर्मली माता आसोबीनी किते कुदा साय माता किते कुदा साई यानी कि दोबारा फिर जरूर आइयेगा माता इराशते कुदा साय पोलाइट है माता माने अगेन यानी कि दोबारा इराशते कुदा साय यानी कि जरूर आइएगा तो ये दो एक्सप्रेशन हैं जो घर में जो व्यक्ति है वो अपने अतिथि से कहते हैं फिर देखिए ये एक्सप्रेशन है ये आपने किया भी है सुमीमा सेन है कि नहीं है तो किसी के पैर पे चोट लग गई गलती से लग गई तो आप ट्रेन में जा रहे हैं बस में जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं पैर दब गया तो आप क्या कहेंगे सुमीमा सेन आई एम सॉरी एक और तरीका है जब आपको लगता है कि नहीं थोड़ा ज़रा ज़्यादा हो गया है तो आप कहते हैं गुम नसाई यानी कि मुझे माफ़ कर दीजिए तो ये दो एक्सप्रेशन हैं सॉरी कहने के लिए सुमीमा सैन जो कि आपने किया है और गुम नसाई जो आज आप नया सीख रहे हैं और यहाँ पे ये इताई कहते हैं वो है अरे चोट लग गई बहुत दर्द हो गया इट इज़ पेनिंग तो ये एक एक्सप्रेशन और है सॉरी कहने के लिए तो आज आपने बहुत सारे एक्सप्रेशंस किए हैं और बहुत हम लोग एक्सप्रेशन करेंगे भी आगे तो ये क्लास अब ख़त्म हो रही है या समझ लीजिए कभी मीटिंग ख़त्म हो रही हो कभी कोई क्लास हो कोई कॉन्फ्रेंस हो लेक्चर हो तो उस समय जब ख़त्म हो रहा होता है तब क्या कहा जाता है देखिए ये है सोरे वा दे वाह मीनासान क्यों वाखोरे दे ओवारी मस यानी कि अच्छा अब इसके साथ मैं ख़त्म करता हूँ ये जनरली क्लासरूम एक्सप्रेशन है क्यों वा दे दारी मास या झिकागा मायरी माश्ता नो दे सोरो सोरो ओवारी शिताई तो ओमई मास ये बहुत ही फॉर्मल एक्सप्रेशन है जब भी कोई मीटिंग कॉन्फ्रेंस लेक्चर कुछ इस तरीके का डिस्कशन हो रहा हो कहीं वो खत्म होने वाला होता है या समय हो गया होता है क्लास में समय हो गया होता है तो जीका मायरी दे अब समय हो गया है इसलिए इस कारण से अब खत्म करना चाहिए ऐसा मैं सोचता हूँ कि अब खत्म करना चाहिए तो ये भी एक एक्सप्रेशन है ये पोलाइट है फॉर्मल है और इसका प्रयोग भी किया जाता है तो इसी के साथ हम भी चाहेंगे कि हम लोग ये क्लास जो एक्सप्रेशंस की है उसको यहीं पर ख़त्म करें और अगली बार के लिए ग्रामर और और ज़्यादा एक्सप्रेशंस और, और कोतोवाज़ा अपनी क्लास में करेंगे हम लोग तो इसी के साथ जिकांगा मायरी दे मिनासान ओ आ शिताई नश्ताई तो अमोईमा अरेगा तो तो ये करके और हम ख़त्म करते हैं धन्यवाद दोबारा फिर मिले